नहीं हो पा रहा तो जय माता दी। सभी लोग बोले जय माता दी। यहाँ पे हर हर महादेव। और हो गई है सुबह की मॉर्निंग अपने रूटीन पे फिर से स्टार्ट। तो आज मेरा रूटीन कुछ अलग है आप लोग के साथ। देखिए आज मैं सब्जी सुबह एकदम सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग सुबह की मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, भले चंगे होंगे। और अभी इस समय सुबह के बजे हैं 9:30। और अभी तक मैंने आज बाल को जो वॉश किया था, धुला था अपने, अभी तक कोम्ब नहीं किया। बस बाल में क्या हुआ था, मैं तौलिए को टॉवल को लपेटी थी तो बाल सूखे सूखे हो गए हैं, बट इधर उधर देखे लटे फैली हुई है। तो अब चलिए, क्योंकि बच्चे भी आज आ जाएंगे 11 बजे, उनका हाफ डे होगा। हाफ डे नहीं मतलब होगा किसे कि आज 5 सितंबर है, 5 सितंबर को वो टीचर्स डे है। टीचर्स डे की वजह से बच्चों का जल्दी छुट्टी हो जाएगी 11 बजे। तो अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा फटाफट जो काम है उसे कर लेती हूँ और फिर उसके बाद आप लोगों के साथ बात करती हूँ। थोड़ी सी मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं लग रही है, इसी कारण मैं भी भीग भीग लग रही हूँ। और चलिए अब कौन करूँगी, थोड़े से चेहरे को फिर रौनक लाऊँगी। चेहरे पर कुछ भी नहीं देखे चेहरे पर, बस ऐसे ही है, कुंभ भी नहीं हुआ है। चलिए अब कंघी करूँगी। तो चलिए अभी आज मैं बता रही थी ना, फ्रिज में ऐसे फ्रिज में जो उसका जो डलिया उसमें सब्जियां रहती हैं तो थोड़ा सा साफ करने में ना नहीं असकतपन आता है, जैसे मन नहीं कर रहा। लेकिन आज फुली खाली हो चुका था पूरा, तो मैं सोची चलो आज मैं अच्छे से, फ्रिज भी बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी और क्या हुआ था कि बड़ी बेटी सब्जी भी रखी थी वो भी थोड़ा सा उसका रस्सा पानी ग्रेवी व्रेवी गिर गया था तो बहुत गंदा लग रहा था देखने से। तो मैं सोची आज पहले मैं अपने फ्रिज की क्लीनिंग करूँगी। तो यहाँ पे पहले मैं आई तो पहले सोची चलो थोड़ा सा कोम्ब कंघी कर लेते हैं, थोड़ा सा रेडी उडी हो जाते हैं उसके तो बाद। यहाँ पे थोड़ा सा मैं हो गई रेडी शेडी, अब दिखा रही हूँ आपको। तो ये देखिए अभी मैं फ़िलहाल हो गई रेडी, थोड़ा सा पाउडर शाउडर लगा भी ली। तो आई होप कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे कि नहीं लग रहे, क्यों आवाज़ दे रहे, कोई आया? तो यहाँ पे लगा कि कोई बुला रहा है, कोई आया है, तो मैं ऐसे देखने आई बट कोई नहीं था। मम्मी और ये बातें कर रहे थे तो फिर मैं रूम में चली गई। जब रूम में रहती हूँ ना तो बाहर के बाद गेट बंद करने की वजह से सुनाई नहीं देता है, तो किसी से बात कर रहे थे, फ़ोन था इसीलिए वो आवाज़ दे रहे थे मम्मी को, मुझे समझ में नहीं। वैसे भी फाइनली मैं तो अब रेडी हो चुकी हूँ, बस मैं जी क्या करना ना बालों में ऐसे करके बस क्लचर, मेरी आदत है बस कोम्ब अप नहीं करना है, बस बाल झड़ा है यहाँ पे क्लचर लगा हो गया मेरा रेडी। जब मैं अपने बाल को धोती हूँ, वॉश करती हूँ, तभी हमें कोम्ब करने की ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो सही बताऊँ तो मैं अक्सर क्या करती हूँ, कहीं निकलना है ना, बाल तो मेरा कम ही झड़ता है, बस ऐसे पकड़ती हूँ और बस एक क्लचर हुआ और फाइनली स्टाइलिश हो गया। तो देखिए आपको ज़्यादा प्रपंच नहीं करना, बस ऐसे पकड़ना लेती हूँ कम, उसके बाद बात करती हूँ। काम तो करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है लेकिन करना तो पड़ेगा ही, और क्योंकि रेडी भी हो गई हूँ, मेकअप सेकअप भी कर ली हूँ। तो चलिए ब्लॉग साथ कांटेक्ट लोग से बता दे रही हूँ, मेरा रूम इतना ज़्यादा गंदा, इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है कि कपड़े के हाल तो बुरा हाल है, मैं आपको दिखा रही हूँ, देख रहे हो अलमारी कैसे। और यहाँ पे फ्रिज जो डलिया थी उसे तो मैंने निकाल के साफ कर ली थी, बट फ्रिज को मैं दिखा रही हूँ कितनी गंदी है। और साइड वाला तो मैंने नहीं साफ, ये देखिए यहाँ पे ऐसे कुछ इतनी ज़्यादा गंदे, क्योंकि डलिया निकलती नहीं तो ऐसे होता नहीं। और आज मैं फुली से एकदम क्लीन करूँगी। और आए रे मेरी जान तो निकल गई, आप लोग देखिए ये रिंग लाइट मेरी चूहा कैसे गिरा दिया, टूट गया, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। बट आप लोग से क्या बताऊँ, बोली थी ना इतना छुआ कि कोई चीज़ को ना जब बहुत ज़्यादा बचाइए तो वो आपके साथ गड़बड़ होता ही है, तो वही मेरे साथ सेम टू सेम हुआ। और फिर मैं उसे सेट कर रही थी, नहीं हो रहा था, फिर मैं आ गई किचन में अपना काम करने। तो यहाँ पे मैं आज इसका जो ट्रे है प्लेट उट है कांच वाला, ये सब निकाल के अच्छे तरीके से पहले क्लीन करूँगी, एक बार सर्फ लगा के और पानी डाल के ऐसे साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद दोबारा जो है कि मैं साफ़ करूँगी पानी से अच्छे से, क्योंकि फुल वीडियो तो आप लोग दिखा नहीं सकती, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, फिर अच्छा भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैंने ऐसे क्लीन तो कर रही हूँ, जब थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ आपको दिखा रही हूँ, पूरा नहीं दिखा रही हूँ। तो
तो आज मेरा सारी ब्लॉग फ्रिज क्लीनिंग ऐसे ही वीडियो आप लोग के साथ शेयर हो रहा है, तो आई होप जरूर पसंद आएगा। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब। और यहाँ देखिए फ्रिज तो साफ हो गई थी, अब मैं यहाँ उसके कांच जो तीनों प्लेट होते हैं चारों वो मैं निकाल के ट्रे यहाँ पे रख रही हूँ, धुल रही थी, धुल के अब चली हूँ मैं सेट कर रही हूँ। और सेट करते समय ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जब से आया था कभी मैं निकाली ही नहीं थी तो दिक्कत हो रही थी, बट सेट हो गया। अब काफ़ी देर तक लेके परेशान थे। और देखिए ट्राईपॉड का क्या हाल है, सब ठीक है, बस इसकी रिंग लाइट टूट गई है, गिर गई है, जिसके कारण मुझे दिक्कत हो रही है। अभी इसको सेटिंग करना, अब देखते हैं कब सेटिंग होता, कैसे होता है, ट्राई करती हूँ। बट आप ना छोटी छोटी चीज़ों को इन्वेस्ट करके करते हैं कोई चीज़, और ख़त्म जब होता है ना तब इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती, क्या बताएँ कैसे बताएँ, समझ में नहीं आता यार। अर्निंग कुछ नहीं और बेकार इतनी ज़्यादा होती जा रही है। सच में ना जब कुछ आता रहता है और फिर उसमें कुछ गड़बड़ होता है तो ये चलो अच्छा चलो जा रहा तो आ जाएगा, बट कुछ भी नहीं हुआ। अजीब सी मैं लग रही हूँ ना, गंदी गंदी सी गंदी हो गई। ये देखो बाबू ने क्या किया। क्या? मैंने उसे टॉफी दी, मेरे पास दो टू थी, खा के यहीं फेंक दिया। तो इसकी रिंग लाइट जो है, मैं बोली ना ये जान थी, मैं छुपा के रखती थी, बट क्या करूं अब बाई चांस वहाँ डालने से कैसे गिर गया, चूहा गिराया क्या गिराया समझ में नहीं आया, गिर गया तो इसकी लाइट तो दिक्कत हो गई और यहाँ पे भी टूट गया है। तो अभी फ़िलहाल अब इसको बिना रिंग लाइट के कैसे सेट करें वही कोशिश कर रही थी मैं। इससे सेटिंग है बट मुझे याद नहीं आ रहा, जब स्टार्टिंग था तो मैंने उसे लाई थी तो सेट हो गया था, कि इस समय हमें नहीं आ रहा। तो फिर मैं सोची अभी काम वाम कर लेती हूँ फिर आराम से इसे सेटिंग करूँगी। तो पहले रख देती हूँ, इसके सारे पार्ट इधर से उधर फैल गए हैं। ये है, ये कहाँ कहाँ से सेटिंग होगा, बनाना छोटे छोटे उधर रखूंगी। तो अभी सारे हेलो रुक जाओ थोड़ा सा, उनका सही कर ले, कर लो यहाँ सब। तो थोड़ा सा अभी सारे पार्ट में ऐसे ऐसे निकल गया है, मैं सही से रख लेती हूँ, उसके बाद आराम से बैठ के इसे सेट करूंगी। तो अभी तो ऐसे ही डाल दो, और रूम और घर का हाल तो बेहाल है। सुबह से आज कंबल भी फोल्ड नहीं हुआ, बस अपने ट्राईपॉड के चक्कर में। सुबह से जब से 10 बजे से नहीं फोल्ड हुआ था, लेकिन फिर पापा खोल दिए थे। तो यहाँ पे मैं रूम में आई तो फिर सारा फैला हुआ था। सुबह मॉर्निंग में ना मैं जब उठी थी तभी कंबल फोल्ड कर दी थी, बट हुआ क्या था कि ये लेटे हुए थे तो फिर से ये कंबल खोल दिए। और एसी चालू कर लेंगे, फ़ैन भी चालू कर लेंगे, उसके बाद उसमें खोल देते हैं उसको भी। तो यहाँ पे वही चीज़ें था, और मैं पूरे दिन यही रहता है, इस रूम में सही करो, उस रूम में सही करो, इस किचन में सही। मम्मी देख रही वीडियो बन रहा है कि नहीं क्या हो रहा था, इसीलिए मम्मी फिर चली गई। तो मम्मी की वजह से थोड़ा सा समझ में देखती है ना कि चालू है क्या है, थोड़ा सा आराम से देख लेती हैं। तो यह है पति देव का रिपोर्ट। तो मम्मी रिपोर्ट नहीं है, उन्हें बस डॉक्टर के यहाँ से जो हुआ था समर वो चीज़ें हैं, बट अभी फिर से देखते हैं क्या होता है। खा रहे हैं इसको, उस रूम में ले जाओ तो। और अभी सुबह से खा लेते हैं केले, बहुत छोटे छोटे हैं। Thank you.
चलिए मैं यहाँ थोड़े थोड़े करके कपड़े भी फोल्ड करके हटाती हूँ, बट मुझे अब अपने रूम का कपड़े फिर से अलमारी से ही करनी होगी। अभी मैंने कुछ ऑर्डर किया है जो मीशो से, और देखिए वो कब तक आता है क्या मुझे समझ में, मुझे लग रहा है चार पाँच दिन हो गए अभी तक, लेकिन मुझे रिसीव नहीं हुआ। आज मैं देखती हूँ कैसे कब कहाँ पे है, कब तक आता है। वैसे मुझे लग रहा था अब तक आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ है कैसे है। और जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैं आप लोग को दिखाऊंगा करते उसे कहाँ से लेते नहीं कहाँ किधर यूज़ करते हो। वो काफ़ी अगर अच्छा होगा तो मैं सोची उसके साथ फिर आप लोग के साथ उसको शेयर भी करूँगी। फिर आप लोग को वो मैं रिकमेंडेड भी करूँगी, लेकिन बट पहले मैं अपने मेरी आदत है जब भी मैं कुछ लेना या कोई भी चीज़ करती हूँ, जब तक मैं अपने पे प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर लेती कि मुझे सही लग रहा, कंफर्टेबल लग रहा है, अच्छा है, तब तक मेरे अंदर आता है कि मैं आप लोग के साथ ये चीज़ नहीं शेयर करूँगी। उससे क्या होता है ना, गलत इन्फॉर्मेशन देना या गलत जानकारी आप लोग तक, गलत चीज़ें पहुँचाना, ये गलत बातें होती हैं मेरी माइंड में। इसलिए मैंने कभी देखे किसी चीज़ की जल्दी ये नहीं बताती हूँ कि नहीं आप ही कर लीजिए जब तक मैं अच्छा। चलिए मैंने सारी बातें बता दी, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।